हाँ जी, तो वेलकम टू एबीसी एक्सपेरिमेंट्स। सो गाइस, वीडियो का थंबनेल तो देख लिया है, तो थंबनेल देख के आज पता चल गया हो कि वीडियो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, आज है मेरे पास 21 तरह के स्नैक्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चुन चुन के लाया हूँ 21 स्नैक्स, उनसे आज हम बनाएंगे सुपर एलियन स्नैक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ लेस, ब्लू वाला लेस और 2M वगैरह, कुरकुरे वगैरह, जितने भी तरह के स्नैक्स होते हैं उन सबको आज हम करेंगे मिक्स और तब देखेंगे कि कैसा स्नैक बन सकता है। आज तक ये वीडियो YouTube पे आई नहीं है, मैं पहली बार इस वीडियो को YouTube पे ला रहा हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और एक्सपेरिमेंट को अपने शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही साइंस है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। सो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज है मेरे पास यहाँ पे 21 तरह के स्नैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हैं 21 तरह के स्नैक्स। मेरे पास ओएस हैं यहाँ पे, ये कुरकुरे हैं, ये लेस हो गया, ये 2M का हो गया, ये अंकल चिप्स हो गए डायमंड के, चीज़ बॉल हो गई, कर्ल्स हो गया, क्रैक्स हो गया, ये अनियन वाला लेस हो गया, ये 2M, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये पास्ता और ये पॉपकॉर्न। सो यहाँ मेरे पास 21 तरह के स्नैक्स हैं। तो अब इन सबको करेंगे क्या, इन सबको करने वाले हैं गाइज हम ग्राइंड। जी हाँ दोस्तों, इन सबको मैं मिक्सी में पीसने वाला हूँ और तब देखेंगे कि कितना एलियन स्नैक बनने वाला है और कैसा स्नैक होगा। सुन के ही अजीब सा लग रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमने सारे स्नैक जो है फाड़ लिए हैं। अब हर स्नैक में से हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस बाउल के अंदर डालेंगे। सो चलिए बाउल में डालना स्टार्ट करते हैं। थोड़े थोड़े सारे ले लेते हैं गाइज। सो गाइज, फाइनली देखिए हमने पूरे 21 स्नैक्स से ये पूरा बाउल भर लिया है। हमने हर स्नैक में से थोड़ा थोड़ा लेके, देखिए गाइज ये ब्यूटीफुल बाउल, कितना अच्छा लग रहा है बाउल, लेकिन इसका हम कचरा करने वाले हम। सो इस बाउल को करेंगे क्या, हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी के अंदर। तो चलिए ग्राइंड लेके आते हैं। अब इन सारे स्नैक्स को जो है ग्राइंडर के अंदर डालते हैं। तो चलिए, सो मैंने इन सारे स्नैक को जो है गाइज ये फाइनली आ गए हैं। थोड़ा सा इनको दबा देते हैं, खुद ही हम तोड़ देते हैं। फाइनली जो है इसके अंदर ग्राइंड पे ये लगा दिया है और इस पे लगा दिया है। इसका मेरे पास ढक्कन नहीं है तो मैं यहाँ पे प्लेट का यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइज, ये है प्लेट, ये रही प्लेट, इसको रखेंगे इसके ऊपर। तो देख लीजिए रखा है ये मैंने, और चलिए इसको चलाते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कैसे चूरमा हो गया है ये एकदम से, और इसकी स्मेल गाइस इतनी तीखी आँख पे, नाक के अंदर जा रही है इसकी स्मेल। अब इसको पहले, सबसे पहले मैं बाउल के अंदर खाली करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। सो गाइस, फाइनली जो है देख लीजिए हमने बाउल के अंदर खाली कर लिया इन सबको। ये देखिए आप, ये मैंने बाउल के अंदर खाली कर लिया और देखिए कैसा लग रहा है ये। 21 स्नैक का इतना पाउडर बना है, मैंने हर स्नैक में से थोड़ा थोड़ा लिया था और ये पाउडर बना है। ये जो वाइट वाइट देख रहे हैं ये पॉपकॉर्न है, जो ढंग से नहीं पीसे हैं। ये जो आप यहाँ पे वाइट वाइट इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये पॉपकॉर्न के वो है। हाँ, ये पॉपकॉर्न ही है। बाकी जितने भी स्नैक्स थे वो सारे पीस चुके हैं, लेकिन पॉपकॉर्न के थोड़े थोड़े से रह गए हैं। अब करते हैं इसको टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब इसको करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि कैसा इसका स्वाद होने वाला है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके स्वाद का। और पता नहीं मेरे पेट खराब हो जाए इसको खाने से, अब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है, लेकिन बनाया है तो एक बार ट्राई तो करना बनता है। तो चलिए एक बार खा के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो
गाइस मैंने एक चम्मच यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए एक चम्मच, अब इसको खा के देखते हैं। गाइस खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है लेकिन थोड़ा सा तीखा है और हल्का सा मिठास और मीठा भी लग रहा है, लेकिन मज़ेदार है खाने में, मज़ा आया। एक और चम्मच खा के देखते हैं और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। चलिए देखिए इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। गाइस अमेजिंग, गाइस मज़ा आ गया खा के, हल्का सा तीखापन है और फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमने कई तरह के इसमें फ्लेवर्स मिलाए थे। 2M's के हमने इसमें 5 फ्लेवर मिलाए थे, OS के हमने 5 फ्लेवर मिलाए थे, लेस के 2 मिलाए थे, कर्ल्स मिलाया था, चीज़ बॉल मिलाई थी, इवन हमने क्रैक्स मिलाया था। जो मीठापन आ रहा है वो हमने जो थोड़ी बहुत मीठी मीठी टमाटो की चीज़ें डाली थी ना, जैसे लेस हो गया, ये अपना ये हो गया थोड़ा बहुत, तो उससे अच्छा काफ़ी टेस्ट बना है, तो मज़ेदार बना एकदम, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसको ज़्यादा तो नहीं खा सकते क्योंकि काफ़ी तीखा भी है और काफ़ी गले में जल भी रहा है इस टाइम, मीठा भी है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है इसको खाने में। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो घंटी है उसे भी दबा देना। अगर आपके दिमाग में कोई अजीबोगरीब ऐसा एक्सपेरिमेंट आता है, अगर आप उसे नहीं कर पाते हैं घर पे, तो उसको कमेंट में बताइए, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा और आपका उस वीडियो में आपका नाम भी लूंगा। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैं आपका नाम भी लूंगा और वो एक्सपेरिमेंट आपके लिए करूंगा भी। सो जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।